हमारी जमीन पर जिस तरह आपने चालाकी करके दावेदारी दिखाई है वो मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। मिस्टर महाजन, दिग्विजय के बिहेवियर ने मुझे चैलेंज किया है। शायद अगर मेरे साथ ऐसा अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं हुआ होता तो मैं ये सब नहीं करती। ओह, तो जो मैं आपके विषय में सोच रहा था मैं बिल्कुल सही था। आप यहाँ किसी और मकसद से आई हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ पे अपना काम करने आई हूँ मिस्टर महाजन, लेकिन मेरा काम अभी अधूरा है। आपको लड़ने का बहुत शौक है ना मिस मुल्तानी? आखिरी दम तक लड़ने का शौक है, पर सच की लड़ाई। मेरे दादाजी हमेशा यही कहते हैं कि अगर तुम्हारी लड़ाई एक सही वजह के लिए है तो तुम्हें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, भले ही तुम्हारी लड़ाई कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। तो सुन लो, दिल्ली कॉरपोरेशन में मैंने डिस्प्यूट केस की अर्जी दाखिल कर दी है कि हमारी पुश्तैनी जमीन पर आपका कोई अधिकार नहीं। आधा घर तो क्या मिस मुल्तानी, आप महाजन हाउस की आधी इंच जमीन भी नहीं ले पाएंगी। फेयर फेयर मिस्टर महाजन, वैसे भी यहाँ लीगल केसेस सालों साल चलते रहते हैं, जब तक इस केस का कोई फैसला आएगा मेरा अधूरा काम पूरा हो जाएगा। हैव अ गुड डे मिस्टर महाजन। ये आपकी फाइल। ये, 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 ये क्या कर रहे हो? हाथ कट जाएगा मेरा। बटर नाइफ है अर्जुन, पर अगली बार ना असली चाकू होगा और इसे हाथ के छोटे छोटे टुकड़े करके ना यहीं फेंकूंगा। पर मैंने किया क्या है? ओ, तो आप किसी और का गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हैं? बहुत ज्यादा चलने लगी अर्जुन। सारे फसाद की जड़ तू ही है पटीचर। आखिर मैंने किया क्या है? युक्ति मुल्तानी को फोन किसने किया? तुमने माँ को बचाने के लिए युक्ति को बुलाएगा, मेरे होते किसी और से मदद मांगेगा तू? मर जाती माँ। कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी माँ की, गार्गी दाई जी के आगे इतना गिड़गिड़ाया कि आपसे बात करवा दे, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। इसलिए युक्ति को फोन किया ताकि आपसे बात करवा सके। अर्जुन, तुझे पता है तूने क्या किया? हाँ, शायद तू भूल रहा है, मेरे पास तेरा कुछ है, याद दिलाऊं? जो मैं कहूंगा, जब मैं कहूंगा वो करते रहना, क्योंकि द गेम इज वेरी सिंपल। तुम्हारी माँ की जान और उनकी धड़कन मेरे हाथ में है अर्जुन, याद दिलाओ। मैं अपनी औकात जानता हूं। गुड, अब से तू सिर्फ वही करेगा जो मैं कहूंगा। तेरी बहन ईशा को समझा दिया है मैंने, तुम दोनों मिलकर उस युक्ति मुल्तानी की लाइफ इतनी मिजरेबल कर दोगे कि वो खुद ब खुद ये महाजन हाउस छोड़ के चली जाए। समझा अर्जुन? समझा अर्जुन? जी, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। डीजे का गुस्सा तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये अचानक मिस मुल्तानी हमारी हेल्प क्यों कर रही है? डीजे के खिलाफ जाके वहां की हेल्प करने से मिस मुल्तानी को क्या मिलेगा?
इजी। मैंने जानबूझ करके नहीं किया। आई नो इट्स ओके, हो जाता है एंड इट्स ओके, सिर्फ ग्लास ही गिरी है, दूसरी ग्लास आ जाएगी। मैं आपको पानी देती हूँ। ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। अब आप आराम से सो जाइए, मैं आपके पास ही बैठा हूं। मिस मुल्तानी, क्या चाहिए आपको? आप सडनली हमारी इतनी हेल्प क्यों कर रही हैं? अपने बिजनेस, टैक्स और पॉलिटिक्स में डीजे के साथ ही कीजिए, हमें हमारी फैमिली को बीच में इन्वॉल्व मत कीजिए। एंड प्लीज, हमें आपकी हेल्प नहीं चाहिए। हमारी लाइफ को और मिजरेबल मत बनाइए आप। शेली, मैं तुम लोगों की लाइफ को मिजरेबल बना रही हूँ? कैसे? आपने डीजे को झूठ के बोला कि मैंने आपको फोन किया था, माँ की जान बचाने के लिए हेल्प मांगी थी। आपने महाजन हाउस में भी हिस्सा खरीद लिया है, आप यहाँ पर क्या करने आई हैं, क्या करना चाहती हैं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं जानना चाहता हूँ। लेकिन प्लीज, हमारी फैमिली को हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो जाओ जाके डीजे को बता दो कि मैंने झूठ बोला था। कम ऑन, गो। नहीं बता सकता, क्योंकि आपकी इंटेंशन जो भी रही हो, लेकिन आपने मेरी माँ की जान बचाई है। इंसानियत कहते हैं उसे, और इंसानियत के नाते ही उन्हें बचाया है मैंने। बट यू नो व्हाट, तुम्हारी फैमिली के लोग ना बहुत अजीब हैं, इसलिए जो भी हुआ अच्छा हुआ। यू शुड बी फीलिंग वेरी लकी। कुछ लकी नहीं है, आपका किया हमारे गले का फंदा बन गया है। आपको आइडिया भी है हमें ऊपर से क्या ऑर्डर मिले हैं? डीजे ने हमसे कहा है हमें आपका यहाँ रहना मुश्किल करना है, ताकि आप ये घर छोड़कर खुद चली जाएं। देखिए, डीजे और आपके बीच में ना, मैं अपनी फैमिली को पिछते हुए नहीं देख सकता। हाँ प्लीज, मेरी, मेरी बहन की, मेरी माँ की किसी भी तरीके से हेल्प करने की कोशिश भी मत करना। इनफैक्ट हमारे पास भी मत आना, क्योंकि अगर आप हमारे पास आएंगी तो हमसे सवाल किए जाएंगे, और जिनका जवाब भी हमें ही देना पड़ेगा। प्लीज, आखिर डीजे ने ऐसा किया क्या है? अर्जुन इतना डरपोक, इतना स्पाइनलेस कभी नहीं था। बहुत कुछ है जो मुझे पता नहीं है, और जल्द पता करना होगा। क्या हुआ दिग्विजय? नई सीटिंग अरेंजमेंट पसंद नहीं आई? मी आई थॉट वी आर इक्वल पार्टनर्स, राइट? तो
हर चीज बराबरी की होनी चाहिए. After all, we are equal decision makers, right? मेरे धैर्य की परीक्षा मत लीजिए मिस मुल्तानी. भले ही श्री कृष्ण ने शिशुपाल को 100 मौके दिए हो, लेकिन मैं इंसान हूं, भगवान नहीं. ऐसी वाहियात हरकत मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा. हमारी डील इंडिया में एक पोर्ट बनाने को लेकर हुई है, पूरे महाजन ग्रुप को लेकर नहीं. सो प्लीज अपने ये यूजलेस इंटेंशंस अपने तक ही रखें. वेल, काम डाउन दिग्विजय. मैं इस प्रोजेक्ट डील के प्रोटोकॉल को ही फॉलो कर रही हूँ. इस प्रोजेक्ट में हमारी 50-50 की पार्टनरशिप है, राइट रॉस? राइट. सो अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल मैंने बस अपनी एक चेयर ऐड करी है. इट इज दैट सिंपल. आप लोग हर चीज को गलत एंगल से क्यों देखते हैं? या फिर आप सिर्फ मीडिया के सामने ये प्रिटेंड करते हैं कि महाजन प्रोग्रेसिव विचारों के हैं, बट रियलिटी में तो आप लोग काफी प्रोग्रेसिव सोच के हैं. आई मीन यही दिखता है आपके बर्ताव और आपकी बातों से. एनीवेज लेट्स स्टार्ट द मीटिंग. नहीं मिस युक्ति, उस कुर्सी पर नहीं. आपने जो कुर्सी अपने लिए मंगवाई है, आप उसी कुर्सी पर बैठेंगी. वो कुर्सी महाजंस की है और जो इस प्रोजेक्ट को लीड करेगा वो ही उस कुर्सी पर बैठेगा. और वो आप तो बिल्कुल ही नहीं है. इस नए प्रोजेक्ट का लीडर महाजन ग्रुप का चेयरपर्सन ही होगा. इस निर्णय का मैं समर्थन करता हूं, और सिर्फ मैं ही नहीं, इस निर्णय का समर्थन पूरा बोर्ड भी करेगा. मिस्टर महाजन, ये तो काफी एक तरफा डिसीजन है. आई मीन आप ये भूलिए मत कि मर्जर दो ग्रुप्स का है. एब्सोल्युटली मिस मुल्तानी, आप भी मत भूलिए, ये मर्जर दो ग्रुप्स के बीच में, और मुल्तानी ग्रुप सिर्फ इस पोर्ट के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है. ये प्रोजेक्ट आज भी महाजन ग्रुप ही बना रहा है. एक इंडियन कंपनी इस पोर्ट को बनाएगी और आपका मुल्तानी ग्रुप एक फॉरेन कंपनी है. और पिछले इतने सालों से महाजन ग्रुप की लेगेसी मिस्टर भानु प्रताप महाजन के कंधों पर है, और आज भी इनके डिसीजंस को कोई क्वेश्चन नहीं करता. सो टेक्निकली आई एम द प्रोजेक्ट लीडर, बट अगर आपको कोई इशू है तो यू गाइस कैन ऑलवेज बैक आउट. लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, एज पर द बाइंडिंग रूल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दिस डील, अगर अभी आप लोग बैकआउट करते हैं तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ मुल्तानी ग्रुप का ही होगा. सो वर्ड ऑफ एडवाइस मिस मुल्तानी, अगर आप अपने प्रोजेक्ट लीडर की सारी बातें सुनेंगे तो आपके लिए और इस डील के लिए अच्छा होगा. आज जितनी खुशी से बैठना है बैठ जाओ इस कुर्सी पर डीजे, लेकिन याद रखना कल ये चेयर मेरी होगी. और जो भरोसा और कॉन्फिडेंस दिखाया ना दादा बाबू ने तुम पर, वो टूटेगा, उनके सामने ही टूटेगा. बिल्कुल इसी तरह
इसी तरह मुझे सब कुछ मेरी नजरों के सामने टूटा हुआ नजर आ रहा है। सोचा था इस प्रोजेक्ट की लीडरशिप डीजे से छीन लूंगी मैं, लेकिन पता नहीं डीजे ने ऐसा क्या झूठ बोला है कि दादा बाबू भी उसके साइड है। और अब जब दादा बाबू उसके साइड है तो पूरी बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। युक्ति, तुमने उस इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचाई है, उससे उसका आधा घर छीन लिया है, और अब तुम एक्सपेक्ट कर रही हो कि वो अपनी फैमिली के साथ भी ना खड़े, जबकि ऐसे वक्त में इंसान अपनी फैमिली को ही ढूंढता है। डीजे उनका खून है, उनकी फैमिली है, सो इट्स ऑब्वियस कि अगर दादा बाबू इस वक्त किसी के खिलाफ खड़े होंगे तो वो तुम हो। लेकिन युक्ति, दादा बाबू जैसे लोग अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ऑनेस्ट होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है, काबिलियत है, देन इट डजंट मैटर कि तुम उनकी फैमिली की हो या फिर आउटसाइडर, वो तुम्हें मौका जरूर देंगे। तुम उनकी नजरों में अपनी काबिलियत को प्रूफ करो, आई एम प्रीटी श्योर वो तुम्हें लीड करने का भी मौका देंगे। आप इतने कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं दादा बाबू के बारे में, जैसे कि आप बरसों से उनको जानते हैं। दादा बाबू एक इंटरनेशनली रिनाउंड बिजनेसमैन है, उनके बारे में जितना पढ़ा है सुना है उसी से अंदाजा लगा के कह रहा हूं। बिल्कुल सही सुना है आपने उनके बारे में, यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट हिम। पर क्या फायदा मैम, अपॉर्चुनिटी तो हमारे हाथ से निकल गई ना। टीचर को हराने के लिए आपका इस प्रोजेक्ट को लीड करना बहुत जरूरी था। पता नहीं कब मौका मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं। दिल क्यों छोटा कर रही हो? सिर्फ एक पोस्ट हारी हूं मैं, पूरी जंग नहीं। वी हैव टू कीप फेथ रोज। ओह माय गॉड, ये क्या है? ये तो वही इंजेक्शन है जो मम्मी को दिया जा रहा था, उसमें थोड़ा सा लिक्विड बचा था और वो कार्पेट में गिर गया। कार्पेट का पूरा कलर ही चेंज हो गया है और कार्पेट जल भी गया है। You're right. पर ये है क्या मैम? Cool. Next slide, please. Yeah. दादा बाबू जैसे आप प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं, पोर्ट के लिए सारी प्लानिंग रेडी है, उसका लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ साथ जो हमारा जनरल और बल्क का कार्गो फ्लो होगा, उस सब की प्लानिंग प्रेजेंट रहेगी, प्लस एक मल्टीपर्पज टर्मिनल और एक स्पेशल टर्मिनल, उस सब का यूनिट लोड और इस सब की डिटेल्स हम प्रेजेंट करेंगे। एंड आई फील अगर हमने ये पूरी प्रेजेंटेशन मिस्टर रफीक बेग जो पोर्ट रेगुलेटरी बोर्ड के चेयरमैन है उनको अच्छे से अंडरलाइन करके प्रेजेंट करा, ही बी सुपर इम्प्रेस्ड। बहुत बढ़िया दिग्विजय, मुझे तुम्हारी प्रेजेंटेशन में कोई तकनीकी या कानूनी कमी नजर नहीं आ रही है, सारी बातों का ख्याल रखा है तुमने। मुझे पूरा विश्वास है दिग्विजय कि पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन मिस्टर बेग तुम्हारी इस प्रपोजल को देखकर उसमें कोई कमी नहीं ढूंढ पाएंगे। थैंक यू सो मच दादा बाबू, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये प्रेजेंटेशन कभी तैयार ही नहीं हो पाती अगर हमारी कंपनी की लीगल हेड मिस कोयल वर्मा हमारे साथ नहीं होती तो। थैंक यू कोयल। थैंक्स क्यों कह रही हो डीजे, मैंने तो सिर्फ अपना काम किया है। वेल डन कोयल। देख कुछ दादू का चश्मा चाहिए तेरे को मेरा। धनराज, दिग्विजय की बनाई प्रेजेंटेशन देखी तुमने? बहुत ही काबिले तारीफ काम किया है दिग्विजय ने। तुम भी इसे एक बार देख लो और अपनी राय दो। दादा बाबू, बिजनेस को तो अब डीजे संभाले तो ही अच्छा है। मैं तो अपने पोते यूजे के साथ खेलकर ही खुश हूँ, और आप तो हैं ही ना, अगर आपने अप्रूव कर दिया है तो फिर मेरे देखने ना देखने की जरूरत ही क्या है। यूजे बेबी, मैंने कितना मिस किया तुम्हें। कब कब ओए हाय क्यूटी। थैंक्स कोयल, एक बात तो बोलनी पड़ेगी, यूजे जब भी तुम्हारे साथ होता है हमेशा खुश रहता है, इज सो कंफर्टेबल अराउंड यू। थैंक्स टीचर, यूजे बेबी को हैंडल करना मुझे मेरी मॉम ने सिखाया है।
और किसी को भी हैंडल करने में मेरी मॉम बहुत एक्सपर्ट है, ये तो तुम अच्छी तरह से जानते। दादा बाबू, आपने देखा ना, रूही हमारे इतने प्यारे यूजी को छोड़ के कैसे चली गई। हाँ पता चला गार्गी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि रूही इतनी गैर जिम्मेदार और कठोर दिल होगी। आई नो दादा बाबू, मुझे ना इन दोनों की बहुत फिक्र रहती है, यूजी और डीजे दोनों की, पर इन दोनों को देख के बहुत खुशी भी होती है। इन दोनों से मतलब है डीजे और कोयल को देख के, ये दोनों एक दूसरे को बहुत लाइक करते हैं दादा बाबू। एक्सक्यूज मी, मैं यूजे बेबी को रूम में लेकर जाती हूँ और मुझे अपना एक काम भी फिनिश करना। दादा बाबू, अगर आपकी सहमति हो तो हम डीजे और कोयल की शादी क्यों नहीं कर दें? यूजे को उसकी एक मॉम मिल जाएगी और डीजे को एक सही लाइफ पार्टनर। तुम्हारी क्या राय है धनराज? दादा बाबू, धनराज की वही राय है जो मेरी राय है, है ना धनराज? हाँ दादा बाबू, एक बच्चे के लिए एक अच्छी माँ, एक पति के लिए एक अच्छी पत्नी बहुत जरूरी होती है। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरा यूजे हमेशा खुश रहे दादा बाबू। एग्जैक्टली, यही तो हम सब चाहते हैं, है ना दादा बाबू? हाँ, अगर सबको यही मंजूर है और डीजे भी यही चाहता है तो मेरा आशीर्वाद डीजे के साथ है। आपका आशीर्वाद अगर मेरे साथ है दादा बाबू तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। रोज ये वही इंजेक्शन है जो मम्मी को दिया जा रहा था, लेकिन ये क्या रिएक्शन है इस मेडिसिन का? और इमेजिन अगर कार्पेट का ये हाल हुआ है तो सोचो अगर ये केमिकल ह्यूमन बॉडी में जाएगा तो ह्यूमन बॉडी का क्या हाल होगा? श्योर ये वही मेडिसिन है जो डॉक्टर्स ने तुम्हारी मॉम को प्रिस्क्राइब की थी? या वो डॉक्टर कृपलानी ने नर्स को ये प्रिस्क्रिप्शन दिया था और ये बॉटल मैंने उसी डस्टबिन से निकाली थी। रोज, इस बॉटल में थोड़ा सा लिक्विड बचा है। We need to get this tested ASAP. Yes, I'll get it done. Easy. इस मेडिसिन से कारपेट तक जल गया है। ये लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं मेरी मम्मी के साथ। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.